नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई शहर में लगातार आग लगने की घटना सामने आ रही है। एक बार फिर आग लगने की घटना सामने आई है। ये आग मुंबई के भाईखल्ला में एक दुकान में लगी। आग सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास में लगी। जैसे ही आग लगने की खबर इलाके में फैली, पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं और आग पर काबू पा लिया गया। मगर वहीं इस दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।